بسم الله الرحمن الرحيم आए बड़े बड़े जुल्म कीते गए अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम आज तो बाद नहीं कहांगा। आपने फरमाया जेड़ी तकलीफ आए उस तकलीफ दे उत्ते सबर करो ओदा अजर अल्लाह रोजे क्यामत नू देगा। सबर करो और ओदा अजर जड़ा ना रोजे क्यामत वाले दिन देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक बना के जबरील दे जरिए भेज दिता। फरमाया अम हसिब तुम अंतदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कबलिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलु हत्ता यकूलर रसूल والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। फरमाया के लोगों परेशान ना हो, अल्लाह ने पैगाम भेजा, परेशान ना हो, अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब। फरमाया बस अन करीब अल्लाह की मदद आने वाली है, लेकिन जदों तक ना आए उदों तक सबर करना, उदो तक सबर करके दिखाना। ते अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम ने सबर दा पहलू ते सबर दा सबक अपने साहबा नू सिखलाया। मेरे पाक पैगंबर सलाम दे साहबा ने उस सबक नू सिखिया ते अमल शुरू कर दिता। सबर दा सबक सीख के ना उस तो बाद उदे उत्ते पूरी तरह अमल करके दिखाया। जिस तरह के अज असी पता की करते हैं, सुनते बहुत कुछ, कुरान भी सुनते हैं, नबी का फरमान भी सुनते हैं, लेकिन उहदे उत्ते अमल कोई नहीं। अमल असी नहीं करना तो अल्लाह के फरिश्ते थोड़ा आके करनगे। ये अमल साढ़े वास्ते, अमल असी करना। कुरान और हदीस का जिहड़ा पैगाम है ना, ये साढ़े वास्ते, जिहड़े अज के मुसलमान ने ना, ये उन्हां वास्ते आ जिमें मेरे पैगंबर ने जिमें सिखलाया, सहाबा उहदे उत्ते डट गए, कैम हो गए और फौरन उहदे उत्ते अमल करना शुरू कर दिता। आ देखिया जे मेरे पैगंबर दा, मेरे पैगंबर दे सहाबा दा एक खानदान आले यासर, अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम एक दफा बाहर निकले ने वेख्या जिहड़ा ने आले यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इंज गए ना जदों कोलो गुजरन लगे, बाप नूं उत्थे बन्निया होया, बेटे नूं उत्थे बन्निया होया, बच्चियां नूं इदां करके ना उह तकलीफां सजावां दे रहा, अग दे उत्ते लटाए जा रहा और मारे जा रहा भुखे। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम जदों कोलों गुजरे ते नजर पई, अल्लाह दे महबूब अलैहि सलातो वसलाम देखण तो बाद रो पै, आप अलैहि सलाम रो पै उहनां दे उस तकलीफा की वजह तो। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने उन्होंने की कहा, फरमाया इस बिर आला आला यासिर, फरमाया आले यासिर सबर करना, सबर तो ना डोना, सबर करना, जे तुसी सबर करोगे ते अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देणगे। सबर आपने उन्होंने सबर का सिखलाया तो वह कहन लगे अल्लाह दे महबूब जी ठीक हो गया, जाना ते जा सकदिया ने लेकिन सबर पूरा रहेगा। फिर जाना दितिया और सबर करके दिखाया। ऐसे ऐसे दलेर साहबा मेरे पैगंबर दे, उन्होंने कहा एक दफा नहीं हजारों दफा सानू तुसी शहीद करो, कतल करो, ते असी फिर भी यह ख्वाहिश रखांगे कि सानू फिर बनाया जाए ते सानू फिर अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कतल कर दिता जाए, सानू फिर बनाया जाए ते फिर जरा ना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर शहीद किया जाए। आ देखिया जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपने अपने सहाबा नू सबर करके दिखाया। एक दिन मेरे महबूब अलैहि सलातो वसलाम इंज जरा ना घरों निकले ने बैतुल्ला दे अंदर, गए आप नमाज पढ़न वास्ते। अच्छा चलो नफली नमाज पढ़ लवा, अल्लाह का जिक्र कर लवा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने रब का जिक्र करते होंगे सी। अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने नमाज शुरू कर ली है, तेरा मक्के दे काफरा ने सोचिया और शरार सूझी उन्होंने,
भी कुछ ना कुछ अज करिए नया काम। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे ने, इन्होंने देखा एक ने बंदे ने कहा भी यार फला जगह ते ना एक गंदी ओ जड़ी बदबूदार पई आ और बड़ी वजनी आ, ते आपा ओ लिया के इहदे उत्ते ना सुटा दईए। ते उन्होंने आपस के अंदर सलाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहा, उन्होंने चंद नौजवान कट्ठे किए, उन्होंने कहा जाओ यार फलां जगह ते ओ जड़ी गंदी पई है उन्होंने घसीट के लिया के ना जो सजदे के अंदर जावे ना उदो उत्ते सिट दिया जे। अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो वसलाम नमाज के अंदर जो सजदे के अंदर गए ने, इन्हां मक्के दे जड़े नौजवान ने ये जड़े काफर ने ना वो जड़ी बड़ी वजनी सी उठा के ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते सिट दी। ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम अपने रब दे नाल हम कलाम ने ते सजदे दे अंदर पढ़दे ने सुभान रब्बी अल आला सुभान रब्बी अल आला। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना जड़ा ना अपना काल मिलाई हुई है अपने रब दे नाल, अपने रब दे नाल नाता जोड़िया होया और अपने रब दे जिक्र दे अंदर मशगूल ने। ते जदों पता चलिया सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दीगर सहाबा इकराम आए और आप दी ओ जिहड़े नूं उठा दिता ते फरमाया अल्लाह दे महबूब जी इजाजत दिओ असी भी इवें ही करिए। आपने फरमाया नहीं भाई, बस जो उन्होंने किया उहदा बदला अल्लाह मैनू देगा अजर दे नाल और अल्लाह आपे उन्हां नूं पुछेगा। ते आप आले ही सलातो वसलाम ने इंजी सबर करके दिखाया। आइए मेरे पैगंबर दा सबर सुनिए, सबर सुन के ना अपने महबूब दा ते फिर असी भी कुछ बेसबरी अपने विचों खत्म करके ना सबर वाला मादा पैदा करना। जुमा सुनने दा मतलब तो यो ही है ना कि असी कुछ ना कुछ सीख के जाइए, जुमा पढ़न वास्ते आइए, सानू पता ना लगे कि जुमा किस मौजू ते होया, सानू जिहड़ा ना की समझाया गया। अज का मौजू सिर्फ यो ही है कि मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम का सबर और सबर सीखिए। आपने सबर का सबक सहाबा नूं दिता, वह चलता चलता मुहद्दिसीन के जरिए जिहड़ा ना वह साढ़े तक पहुंचिया कि साढ़े अंदर भी यह सबर होना चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो वसलाम मक्के दे विच काफरां ने पकड़ लिया, आप दे अहलो अयाल नूं भी पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम इहदे नाल मक्के दे अंदर घर आए ते सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा माँ जी भी घर के अंदर मौजूद ने। इन्हां मक्के दे काफरां ने पकड़िया जिवें बंदा गिरफ्तार कर लैंदा ना, ते पकड़ के जाके शेबे अबी तालिब दे अंदर डक दिता। एक महीना नहीं, दो महीने नहीं, पूरे ढाई तीन साल उस जगह ते शेबे अबी तालिब दी घाटी दे अंदर जड़ा ना उत्थे पकड़ के रखिया, छड़िया नहीं, कोई कसूर भी कोई नहीं। ते इन्होंने की किया, खाना पीना बंद किया होया। अजकल तो लै जाए ना कोई पकड़ के उन्हें एक टाइम तो खाना देंगे, चलो नहीं तो 24 घंटे बाद। इन्हां काफरां ने इन्ना जुल्म किया, खाना बंद किया होया, ढाई तीन साल का अरसा गुजरिया। ते माँ जी सईदा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जदों बाहर आईया ते पूछण वाले ने पूछया माँ जी खांदे की सी, जे हर शाय बंद कर दिती आ ते फिर की खांदे सी। ते फरमांदियां ने जदों असी उस जगह ते सी खाना पीना ते बंद सी, दरख्त लगे हुए सी, दरख्त दे पत्ते झड़ के जमीन ते गिर जाने, असी उन्हां पत्तियां नूं पकड़ना ते खाना शुरू कर देना। अल्लाह अकबर, इस तो बड़े जुल्म और अजमैश की आएगी, खाना ढाई तीन साल बंद करना। फरमाया के वह पत्ते दरखत दे लै लै ते उन्हां नूं खा लेना। ते असी जदों गए हाँ ते साढ़े कोल जना ने एक चमड़ा सी सुका, असी उन्हूं पानी दे अंदर भिगोया होया सी ते उस सुके जे चमड़े नूं चूस चूस के गुजारा करना, चूस चूस के इस तरह असी जरा ना अपना टाइम गुजारिया। ते जदों माँ जी सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जदों उस जेल दे विचों उस घाटी दे विचों बाहर आईया ते जरा ना बंदा भुखा रह रह के जिस्म दियां हड्डियां बन जांदियां ने। ते जरा भी वेखे मक्के वाली जड़ी खवातीन वेखे, पूछे खतीजा की गल हुई आ, फरमाया कुछ देंदे नहीं सी, हड्डियां बाहर निकल आईया, मास खत्म हो गया, जिसम हड्डियां का ढांचा बन गया,
लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह का गिला नहीं किया, सबर किया, सबर करके दिखाया। मेरे महबूब अली सलाम ने भी सबर करके दिखाया। मोहतरम सामी ने कराम, 2.5-3 साल के अरसे के अंदर कुछ खाना ना पीना, फिर सबर करके दिखाना, और ऐसा सबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुराने पाक बना के भेजा। फरमाया मेरे महबूब तू भी सबर करना, बस बिर कमा सबर। फरमाया के सबर करना, जिस तरह के पहले पहले नबी गुजरे ने ना, जिस तरह के हजरत नूह अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम और दिगर अंबिया इकराम फरमाया के इस जमीन तो गुजरे ने, उन्होंने बड़े बड़े सबर किते। फरमाया तू भी सबर करना, सबर करना। और अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम ने जो मक्के दे विचों ना मजबूर कर दिता हिजरत करने ने, इन्हों काफरां ने आपनू इतना परेशान किया और सहाबा इकराम नू इतना परेशान किया, सहाबा इकराम मजबूर हो गए कोई मदीने की तरफ, कोई दिगर जरा ना इलाकों की तरफ हिजरत कर गए। ते अल्लाह दे महबूब अली इस्लाम जदो हिजरत करन लगे ने, ते मौलाना साहब अपनी जुबान दे अंदर लिखते ने, था जांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ा मैं। अल्लाह दे महबूब अली इस्लाम इंज मक्के दे वल देखी जा रहे ने, क्यों? मेरे महबूब नु मक्का बड़ा पसंद सी, ते बड़ी मुहब्बत करते सी। था जांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ा मैं, लोकां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ा मैं, अल्लाह सच्चे दे अगे करदा नियाज़ा मैं, पर कौम नहीं चंगी तेरी नेक खमीर दी, झोक वसिंदी डिठी जगां दे पीर दी, मुड़ मुड़ पैवेंदे नाले हंजू ने खेरिया, मुड़ मुड़ पैवेंदे नाले हंजू ने केरिया, अल्लाह ने चुक लिया रिजक दियां टेरिया, करसा ना करसा फिर ज़ियारतां तेरिया, अल्लाह नू मालूम है बात तकदीर दी, झोक वसिंदी डिठी जगां दे पीर दे। अल्लाह दे महबूब अली सलात व सलाम इंज जड़ा ने मक्का छड़ के ते मदीना आ गए, फिर उस तो बाद जड़ा ने मेरे पैगंबर दे नाल सहाबा इकराम मौजूद ने, कदी जंगे बदर वास्ते जा रहे ने, ते कदी जंगे खंदक वास्ते जा रहे ने, जंगे बदर वास्ते ते जंगे खंदक वास्ते। आ देखिया जे जंगे खंदक खोदन वास्ते मेरे पैगंबर दे 1400 सहाबा जा रहे ने, नाल मेरे पाक पैगंबर सलाम भी मौजूद ने, ते अल्लाह दे महबूब अली सलाम ने अपने सहाबा की तरबीयत ऐसी कीती है, ते अपने अपने सहाबा नूं सबर दा सबक सिखाया वा, ते जदों मुश्किल वक्त आया ते मेरे पैगंबर दे सहाबा ने सबर करके दिखाया। जंगे खंदक खोददियां खोददियां मेरे महबूब अली सलात व सलाम दे सहाबा थक जांदे ने, ते 2 सहाबा मेरे महबूब अली सलाम दे कोल आंदे ने। अल्लाह दे महबूब जी परेशान बड़े आ, भुख ने सताया होया, ते अपना जड़ा ने इंज पेट तो कपड़ा उठा के दिखाया। अल्लाह दे महबूब जी वे कौन सी, एक एक पत्थर बनया होया, तकलीफ दी वजह तो, परेशानी दी वजह तो, और जरा ना भुख दी वजह तो असी एक एक पत्थर बनया होया। जे कोई इंतजाम हो जाए खाने दा, ते अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे साहबा तुसी एक एक पत्थर बनया है, ते मेरे वल भी वेख लो मैं 2-2 पत्थर बने ने। अपना दिखाया, फरमाया मेरे साहबा मैं 2-2 पत्थर बनने हुए ने, लेकिन इस पहलू दे अंदर तुसी सबर करना, इस पहलू दे विच तुहाडा सबर होना चाहिए। अल्लाह दे महबूब अली सलात व सलाम दे सहाबा ने इंज सबर किया, सबर, और सहाबा ने फरमाया अल्लाह दे महबूब जी कोई मसला नहीं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सबर दा सिला दुनिया च भी दिखाया। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला ने आए, अल्लाह दे महबूब जी घरों पैगाम आया मेरे, तुसी 2-4 बंदे नाल लिया के ना ते खाना खा लो। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा
जाबर दे घर खाने का इंतजाम हो गया। परेशान नहीं होना तुसी, खाने का इंतजाम हो गया। कई दिनों दे साहबा भुखे सी, प्यासे सी, काम कर करके जड़ा ना थके हुए सी। साहबा ने सोचा चलो अज ते खाना होएगा। ते इधरों हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला कुछ परेशान होए ने। आपने फरमाया क्यों जाबर परेशान क्यों है? फरमाया अल्लाह दे महबूब दो चार बंदियां दा क्या सी? फरमाया कोई गल नहीं, जा घर दे अंदर, जदों मैं आवांगा उदो हंडिया दा जड़ा ना ढक्कन नहीं खोलना, आटा गुन के रखो। ते जड़ा ना कर गया। बीबी ने पूछा क्यों परेशान है? आखे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा नूं कह दिता खाने दा। फरमाया कानू परेशान होना? तू ते कहा सी ना जाके दो चार बंदिया दा। क्या जी मैं क्या सी? फरमाया परेशान होण दी गल कोई नहीं, आ लैंदे। अल्लाह दे महबूब अली सलाम ने अपना लब मुबारक उस हंडिया दे अंदर गिराया, अपना लब मुबारक उस आटे दे अंदर जड़ा ना गिराया, और फरमाया मेरे महबूब ने फरमाया कि जाबर हंडिया दे विचो पाई जाओ हुण सालन ते मेरे सहाबा नूं दे जाओ। 1400 सहाबा ने खाना खा लिया, लेकिन फिर भी हांडी दे अंदर सालन मौजूद है, फिर भी सालन मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने सबर किया, अल्लाह ने मददां कीतियां। मोहतरम सामे ने कराम, अज दा ये पहलू अपने जेहन दे अंदर बिठा लो। जदों वक्त आ जाए सबर करने दा तो सबर करिया करो। गाली दा बदला गाली नाल नहीं देना चाहिदा, कतल दा बदला कतल नाल नहीं। अगर कोई बंदा किसी बच्चे नूं मार दिंदा ते सबर करो, अपने बच्चे नूं समझाओ, ए नहीं उस बच्चे दा बदला लैण वास्ते एक नूं कतल कीता, उन्हें दो नूं कतल कीता। यकीन करो दो दो खानदान मैं देखिया वह कतलो गारत दे अंदर गया। एक मुर्गी दी की मिसाल है, अज दे वक्त दे विच 500 नहीं 1000 दी एक मुर्गी होएगी। एक मुर्गी दी खातर एक घर वालिया ने उस मुर्गी नूं ज़बह करके उहदा गोशत खा लिया, इस बिना ते कि भी रोज घर के अंदर आती है। लेकिन जिन्हां दी मुर्गी सी उहनां नूं पता लग्या, गन्ना उठाइया, उहनां दे घरदिआं नूं जिहड़ा ना कतल किया, और उन्होंने जिहड़ा ना इन्हां दा कतल शुरू किया, और पूरे दो खानदान उस मुर्गी की वजह तो कतल हो गया। जे अगर सबर हो जाता तो बच सकते सी। तो इहो ही पैगाम जिहड़ा ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे तक पहुँचाया। आ देखिया जी जदों फोतकी हो जाए ना, कई बंदे पे सबरे हो जाते हैं। मैं खुद अपने अखां दे नाल वेखा एक बंदे नूं, उहदा नौजवान भरा जिहड़ा ना चोरां ने कतल कर दिता, और जदों उहनूं पता लग्या उसने बेसबरी का मुजाहरा ऐसा किया, खुद जिहड़ा ना दीवारां दे अंदर टकरा मारदा मैं आप वेख्या। लोगों उन्हें पकड़िया होया भी यार बस कर, कोई गल नहीं, जो अल्लाह ने करना सी वो हो गया, तो सबर कर। लेकिन वो बेसबरा होके जहलीयत वाले बोल बोलिया। कहन दा मकसद ये है जड़ा बंदा फोत हो जाए और फोत होने तो बाद वापस नहीं आ सकता, बंदा उस वक्त भी सबर करे। क्यों? अल्लाह दे महबूब ने सबर दा तरीका सानू सिखला दिता है। अल्लाह दे महबूब अली सलातो सलाम दा एक बेटा नहीं, तीन बेटे दुनिया तो गए। आपने सिखलाया कि मेरे साहबा मेरे घर के अंदर फोत की होंदी आ, मेरिया बच्चिया फोत होइया, लेकिन मैं सबर का मुजहरा करके दिखाया। आ देखिया जे आप अली सलातो सलाम का लखते जिगर हजरत इब्राहिम आ चंद महीनिया का बच्चा वा, ते जिस वक्त बीमार होया ना ते बेटी ने पैगाम भेजा अपने अबू दे कोल कि जी आके तुसी एक दफा मेरे बच्चे नूं देख लो। अल्लाह दे महबूब अली सलाम आप दे कोल ना पैगाम आया, आप दी बच्ची दा जरा ना बेटा वह बीमार सी, आप दा नवासा वह बीमार सी। पैगाम भेजा आप गए, उन्हू सबर दा क्या? फरमाया बेटी जैनब सबर करना, कोई बात नहीं, अल्लाह दा माल है, अल्लाह चाहे दुनिया च इनू जरा ना जिंदगी लंबी कर दे, चाहे अपने कोल बुला लवे, लेकिन सबर दा मुजाहरा। लेकिन मैं तुहानू ये दसना चाहना मेरे महबूब का लखते जिगर हजरत इब्राहिम देखिया जी चंद माह का जड़ा ना चंद महीनिया का हजे बेटा सी। अल्लाह के महबूब अली इस्लाम के कोल पैगाम आया, उस सैफ लोहार ने पैगाम भेज दिता कि अल्लाह के महबूब जी अपने बेटे नूं आके मिल जाओ, क्यों आपने जड़ा तरबीयत वास्ते भेजा होया सी, ते आके तुसी देख लो ज्यादा बीमार हो गया।
मिल जाओ अपने बेटे नूं। आप अले इस्लाम नूं जदों पैगाम मिलिया उसी वक्त फौरन उठे ने चंद सहाबा नाल लै ने ते लै के ते आप कुछ चले गए। जदों घर गए ने जदों देखिया ना बच्चा इवें अपनी जिंदगी दे आखिरी लम्हात गुजार रहा, आप अले इस्लाम ने अपने लखते जिगर नूं ना इंज अपने हत्थां दे उत्ते उठाया होया और आखरियां हिचकियां लै रहे ने और इसी दरम्यान अपने रब नाल मुलाकात कर लई है बच्चे ने। तो अल्लाह दे महबूब अली इस्लाम गमगीन होए, अखां दे विच आंसू जारी होए ते सहाबा ने वेख्या अल्लाह दे महबूब तुसी भी रोंदे हो। फरमाया मेरे सहाबा ए ते इक रहमत दे आंसू ने, गमगीन होया मैं अपने बेटे की वजह तो, ए ते आंसू निकल आए ने। तो पता ये चलता है कि मेरे महबूब नूं सदमा पहुंचिया, आप गमगीन होए ने लेकिन आपने अपने आंसू बहाए। जहलीयत वाले बोल या आज जिवें इस तरह नहीं, बड़े बड़े सहाबा दुनिया तो गए, सहाबा दे लखते जिगर छोटे छोटे बच्चे दुनिया तो गए। लेकिन मैं मिसालां शुरू कर दवां, जुमा बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन मैं इन्हां गल्लां दे उत्ते इख्तिताम कर दवां कि असी जिहड़ा ना जो साडे कोल सबर दा मुजाहरा सबर करन दा वक्त आ जाए उस वक्त असी भी सबर करके हिस्सा पा लईए। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सबर दुनिया दे विच करोगे बगैर हिसाब तो तुहानू मैं अजर दवांगा। और अल्लाह दा बगैर हिसाब तो अजर देना बंदा सोच नहीं सकदा। तो इस वास्ते मेरा अज दा मौजू इहो ही सी कि असी सबर करके ना इस दुनिया दे विच रह के उहदा अजर असी अपने रब कोलों लैणा। और जिहड़ा बंदा सबर करेगा अल्लाह उहदा जिहड़ा ना सबर जाया नहीं करेगा, बल्कि रोजे क़यामत उन्हें अल्लाह बदला देगा। अल्लाह मेनू तुहानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।